concept of evolution, that taxonomy is the old taxonomy, and in that species is static, मतलब species में कोई परिवर्तन नहीं होता है. जब से पृथ्वी आई, जब से वो प्रजाति आया, उस प्रजाति से कोई सब स्पेसीज नहीं बनी और उन सब स्पेसीज का फिर स्पेसीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. ये कॉन्सेप्ट माना जाता है. लेकिन कॉन्सेप्ट बदला. अब बात आती है जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, उस क्लासिफिकेशन में कितने टैक्सा हैं. तो अभी हमने बात किया था आपको कितने टैक्सा हैं और उनके नाम क्या क्या हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसीज की. सबसे पहला टैक्सा क्या है? स्पेसीज है. हम जिस टैक्सा की बात करते हैं, दो जो टैक्सा सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सा है, हायरार्की में सबसे नीचे है. अगर हम शुरुआत करें टैक्सा की, अगर हम टैक्सा की बात करें तो जो सबसे नीचे लेवल का है उसको हम स्पेसीज बोलते हैं. ये लोएस्ट है. लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. इसको किसने दिया कभी कभी पूछा जा सकता है. तो जॉन रे ने इसे इंट्रोड्यूस किया था. और एक और बात बताएं, जैसे हमने कहा मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो इंडिका है मैग्नीफेरा नहीं, जो इंडिका है वो स्पेसीज है. अगर हम सोलेनम के बाद ट्यूबरोसम लिखते हैं, पोटैटो, तो ये इंडिका और ट्यूबरोसम ये स्पेसीज है. तो स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल That can reproduce itself. इसमें सबसे बड़ी बात है आपस में रिप्रोडक्शन होना चाहिए. Reproduce. ये टर्म बहुत जरूरी है. अब ये जो स्पेसीज हैं, ये कभी कभी पॉलीटाइपिक हो सकती हैं, कभी मोनोटाइपिक हो सकती हैं. स्पेसीज कभी मोनोटाइपिक हो सकता है. ऐसा जीनस जिसमें सिंगल स्पेसीज हो, ऐसा जीनस जिसमें सिंगल स्पेसीज हो मोनोटाइपिक, ऐसा जिसमें कई हो तो उसको बोलेंगे पॉलीटाइपिक, कई हो तो बोलेंगे पॉलीटाइपिक. पॉलीटाइपिक इसमें कई एक स्पेसीज है
और स्पेसीज में भी बंटवारा है, यहां सिंगल स्पेसीज है और सिंगल स्पेसीज में कोई बंटवारा नहीं है, सब स्पेसीज नहीं है। अगर पॉलीटाइपिक में ऐसी स्पेसीज दैट इज डिवाइडेड इनटू रेस, दैट इज डिवाइडेड इनटू रेस, सब स्पेसीज, जैसे हमने बात की थी ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग का जब नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, होमो सैपियंस और फिर लिखते हैं सैपियंस, ये दो बार सैपियंस, ये सब स्पेसीज हो गया। होमो सैपियंस फॉसिलिस था जो अब समाप्त हो गया। और अगर सब रेस की बात करें, ह्यूमन के सब रेस की बात करें होमो की, तो इसमें सब रेस भी है, कुछ नेग्रोइड है, कुछ कस्क्वाइड है, कुछ ऑस्ट्रलवाइड है, मतलब ह्यूमन बीइंग की भी कई प्रजाति है, ह्यूमन बीइंग की भी कई प्रजाति है। तो अगर कोई स्पेसीज में पॉलीटाइपिक टर्म अगर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब उसमें कई सब स्पेसीज हैं या कई रेस हैं। तो अगर रेस ज्यादा हूं तो पॉली पॉलीटाइपिक, इसी तरह से जीनस भी पॉलीटाइपिक हो सकता है, जीनस पॉलीटाइपिक हो सकता है। अगर जीनस, अगर हम जीनस की बात करते हैं इसी जगह स्पेसीज के बाद आप जीनस में चले आए, तो जीनस मोनोटाइपिक कब होगा, जब एक जीनस का सिंगल स्पेसीज होगा। अगर एक जीनस के कई स्पेसीज हो, यहां पर देखिए, अगर ये कई हो जाए तो ये पॉलीटाइपिक जीनस हो जाएगा, अगर स्पेसीज का बंटवारा हो रहा है कई हो जाए तो पॉलीटाइपिक स्पेसीज हो जाएगी, सब स्पेसीज हो जाएगी, समझ गए। तो जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में होमो सैपियंस के अलावा दूसरा नहीं है कुछ, इसलिए ह्यूमन बीइंग का जो जीनस है वो मोनोटाइपिक है। ठीक है, क्या है, मोनोटाइपिक है। अब प्रश्न उठता है कि कोई पॉलीटाइपिक का नाम बताइए। ह्यूमन बीइंग होमो तो मोनोटाइपिक हो गया। आप नाम सुने होंगे पैंथेरा, पैंथेरा, इस पैंथेरा जीनस में लियो आता है जिसको हम लायन बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस आता है जिसको आप टाइगर बोलते हो, पैंथेरा पार्डस आता है जिसको आप लियोपार्ड बोलते हो, तेंदुआ, इसी तरह से एक और फैमिली है, कुत्ते वाली फैमिली है जिसका नाम कैनस, कैनस जीनस है। अगर हम कैनस फैमिलियरिस लिख देते हैं तो ये डॉग हो गया। अगर कैनस लुपस लिखते हैं तो डॉग से मिलता जुलता उल्फ हो गया, भेड़िया।
अगर हम कैनस Arius लिखते हैं तो ये जैकाल हो गया। तो ये जीनस पॉलीटाइपिक जीनस हो सकता है, जीनस मोनोटाइपिक हो सकता है। अच्छा आपका सुनता है जीनस किसने लिखा, जीनस का नामकरण कहां से आया। कभी कभी स्पेसीज और जीनस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी जॉन रे ने ही नाम दिया था। ये नाम भी जॉन रे द्वारा दिया गया था। जीनस के बाद फैमिली आती है, फैमिली को भी जॉन रे ने ही दिया। जीनस को कलेक्टिवली जिस टैक्सॉन में रखा जाता है उस टैक्सॉन को हम फैमिली कहते हैं, और फैमिली को जिसमें रखा जाता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। फिर से समझ जाइए, मतलब अगर हम नीचे से देखें क्योंकि नीचे की कैटेगरी है, तो स्पेसीज आर ग्रुप्ड इनटू जीनस, जीनस आर ग्रुप्ड इनटू फैमिली, और ये तीनों कैटेगरी किसने दी थी, जॉन रे ने दी थी। फैमिली को अगर ग्रुपिंग करेंगे तो आएगा ऑर्डर, और ऑर्डर लेवल की जो बात हुई थी वो लीनियस ने की थी। ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाता है। क्लास भी इन्हीं लीनियस ने ही बनाया था। क्लास को जोड़ करके हम फाइलम बनाते हैं। फाइलम को कुछ लोग बताते हैं क्यूवियर ने दिया था, और यह फाइलम जुड़ करके किंगडम बनाता है। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नामक्लेचर ने यह नाम दिया था किंगडम। तो ये क्लासिफिकेशन का स्टेप है, इसको आप स्टेप को जाने, और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब एक चीज और बात आएगी आगे अगर हम पढ़ेंगे तो, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, इट इज बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो अगर हम नीचे से देखें और ऊपर जाएं तो ये प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी है, मतलब सिमिलर स्पेसीज ग्रुप्ड इनटू अ जीनस, जीनस हैविंग सिमिलर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्ड इनटू फैमिली, फैमिली हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्ड इनटू ऑर्डर, ऑर्डर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्ड इनटू क्लास। ये क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ अगर ऊपर से नीचे की ओर चले, डाउनवर्ड कैटेगरी चले, तो किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। तो ये जो अभी लाइन गई है, ये जो ऊपर लाइन जा रही है, ये सिमिलरिटी के आधार पर है, वो सिमिलर है कि नहीं। और एक लाइन और खींच देते हैं, ये वाली लाइन अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन differences, so this classification is based upon similarity and differences. Similarity tells us all individuals are derived from same ancestor. Differences, they advise us that changes have occurred in the past. Changes means evolution.
changes, is the tool, is the object of evolution. तो अगर रेड लाइन देखे तो ये हमें इवोल्यूशन बता रहा है, और ये जो वायलेट कलर से जो एरो गया है ये हमें सिमिलरिटी बता रहा है, वी ऑल इवोल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर। इतनी बात समझे? चलिए अब इतनी बात समझ में आई, और ये चैप्टर ज्यादातर इन्हीं बातों पर आधारित है। इसके बाद इसमें कुछ टूल्स पढ़ने हैं। टूल्स क्या चीज है? वो ऑब्जेक्ट है दैट हेल्प्स इन टैक्सोनॉमी। जैसे टीचिंग टूल्स क्या है, तो ग्रीन बोर्ड है, चाक है, डस्टर है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, और आजकल लैपटॉप है, वेबकॉम है, ठीक है, तमाम रिटेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो टैक्सोनॉमी है इसमें कौन कौन से टूल्स अप्लाई होते हैं। तो एक टूल्स जिसको आप हर्बेरियम बोलते हैं, और आप फर्स्ट ईयर में बनाएंगे भी, हर्बेरियम बनाते समय आपको आसपास लोकल प्लांट के बारे में जानकारी हो जाती है, उसको आप याद रखते हो। बोटेनिकल गार्डन ये भी एक टूल है, जहां आप जाएंगे तो पेड़ के ऊपर उसका बोटेनिकल नेम लिखा होगा। अगर किसी की अच्छी हर्बेरियम आपको मिल गई किसी लड़के की, तो आप अपने आसपास लोकल जितने वीड्स हैं, छोटे मोटे पेड़ हैं, पेड़ नहीं, आप हर्ब्स कर लीजिए, श्रब्स कर लीजिए, उनको उसने अपने हर्बेरियम सीट पर चिपकाया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे आपके घर एल्बम होता है, शादी वाला एल्बम, तो उसमें बताया जाता है चाचा है, मामा है, नानी है, दादी है, चाची है, तो एल्बम की तरह हर्बेरियम हो गया। और कोई आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, सब लोग आ गए, तब पहचानवा रहे हैं ये चाचा है, ये नाना है, ये दादा है, तो वो बोटेनिकल गार्डन हो गया, जाकर के वहां पर सीधे आप बताएंगे। और कई बोटेनिकल गार्डन है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, और उसके बाद म्यूजियम होते हैं। म्यूजियम आपके विद्यालय में भी होता है, अगर आप छिपकली देखे नहीं है घर पे दौड़ती हुई तो एक डब्बे में बंद देखेंगे। आप सार्क नाम सुने हैं, लेकिन सार्क के बच्चे को हमारे लैब में आप रखा हुआ पाएंगे स्कॉलियोडॉन नाम से। जो कोई प्रजाति न्यूजीलैंड में है, कोई प्रजाति कहाँ है, दूसरे प्रदेश में है, उनको भी तो म्यूजियम एक ऐसा जगह है जो दुनिया के कहीं से भी मरे हुए ऑब्जेक्ट को हम प्रिजर्व रखते हैं, तो दैट आल्सो हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। मतलब आप जान तो गए ही हो कि ये इंडिविजुअल है, उसका नाम बकायदे लिखा होगा, लेकिन वो मतलब एकदम सीधे उसकी बॉडी दिखेगी, जिसको आप जाकर के अमेरिका में देखोगे, ठीक है। और या एक और चीज है कि जिनको आप खाना पीना नहीं दे सकते हैं और चाहते हैं वो हमारे घर रहें, तो म्यूजियम वो चीज है, वो खाता पीता कुछ नहीं है, एक बार डेड बॉडी लाइए रख दीजिए, ठीक है, वो कुछ खाए पिएगा नहीं, हमेशा कई पीढ़ियों तक लोग आएंगे देखते रहेंगे। और फिर एक खर्चीला चीज बताते हैं आपको, एक तो बोटेनिकल गार्डन हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी जगह चाहिए आपको, सिंचाई करने वाला आदमी चाहिए, माली चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं चाहिए,
जूलॉजिकल पार्क, अगर आप चाहते हैं कि बहुत से जानवरों को आप देखें, उनको पालें, तो ये आपके बस का नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार तमाम जूलॉजिकल पार्क बनाती है ना, ये एक प्रकार का एक सिटू कंजर्वेशन है। तमाम सेंचुरीज हैं वो इन सिटू कंजर्वेशन है, मतलब कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें लायन है, जंगल भी है, चारों तरफ से घेर दिया गया, वो सेंचुरी हो गई आपकी, वहां पर भी जा करके आप देख सकते हैं। तो दीज आर द एड्स। और एक टैक्सोनॉमी की होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की है। की क्या है? सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स। हम लिखते हैं अल्टरनेट कैरेक्टर, मतलब हम लिखेंगे विंग प्रेजेंट, विंग अब्सेंट, टीथ प्रेजेंट, टीथ अब्सेंट, ऐसे एक सेट बनाया गया है। और उस सेट बना करके आप टिक लगाते जाएंगे, अगर प्रेजेंट है तो उसके बाद अगला आंसर क्वेश्चन होगा, दो में से फिर एक चुनना होगा। तो ये कपल ऑफ सेंटेंसेस है, इनके आधार पर अगर हम किसी इंडिविजुअल को देखें, और आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल, तो बाय गोइंग थ्रू दैट टैक्सोनॉमिक की यू कैन आइडेंटिफाई द गिवन इंडिविजुअल इज दिस वन। तो ये की क्या चीज है? ये सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर को बना करके की बनाया गया है। जैसे हम एक की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, विंग प्रेजेंट, विंग एब्सेंट। अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो उसके बाद बात आती है कि ये है ही नहीं एक्सटर्नल ईयर, तो विंग प्रेजेंट है कि विंग एब्सेंट है। तो इस आधार पर उसको हम कैटेगराइज करेंगे। अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, अब बात समझिए, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो विंग प्रेजेंट है, तो बर्ड होगा, क्योंकि बर्ड में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, विंग प्रेजेंट होता है। अगर एक्सटर्नल ईयर नहीं है, विंग भी नहीं है, विंग एब्सेंट, तो आप देखेंगे अगला पार्ट उसमें देखेंगे लिंब प्रेजेंट, लिंब एब्सेंट। अगर लिंब प्रेजेंट देखते हैं तो फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस हो गए। अगर लिंब एब्सेंट देखते हैं तो फिर फिशेस होंगे, स्नेक हो गया। अब बात आई लिंब एब्सेंट, तो फिर आप अगला क्वेश्चन पूछते हैं गिल प्रेजेंट और नॉट। अगर गिल प्रेजेंट है तो बोल दीजिए फिश, गिल एब्सेंट है तो बोल दीजिए क्या, स्नेक। इतनी बात समझ में आई? ये हेलो, गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ बताओ।